Redmi के Note 7 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा क्या मिल गया? अब तो हर एक मोबाइल कंपनी कहीं ना कहीं 48 मेगापिक्सल के पीछे पड़ चुकी है और 2019 पे आपको 48 मेगापिक्सल वाले फोन बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आजकल हल्ला है Vivo के V15 Pro का, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, मतलब ट्रिपल कैमरा है, साथ में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है, वो भी पॉप अप कैमरा, अंदर और बाहर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको डिस्प्ले बड़ी कमाल की मिल रही है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, कमी कहां रह गई है। लेकिन जब वीवो इतना काम कर रहा है तो यार ओप्पो कैसे चुप बैठ सकता है, क्योंकि यार ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और कहीं ना कहीं हर एक मोबाइल कंपनी यही चाहते हैं कि यार जो कस्टमर है ना उन्हीं के फोन को ले। लेकिन अब एक नया फोन आने वाला है ओप्पो की तरफ से, और ये जो फोन होगा ना बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में लॉन्च होके मिलेगा, और इस फोन का जो प्राइस होगा वो भी बड़ा धाकड़ होगा। लेकिन ये जो फोन है ये है ओप्पो का भैया F11 Pro, मतलब आजकल तो प्रो का जमाना है और प्रो में आपको कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन आपको ओप्पो के फोन में क्या कुछ मिलने वाला है ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये फोन का प्राइस क्या होने वाला है और ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। चलिए बातें बहुत कर ली, सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि यार इस फोन में आपको सबसे अच्छा क्या मिल रहा है। इस फोन का सबसे अलग जो फीचर है वो है पॉप अप कैमरा, जो आपको मिल जाता है वीवो के नेक्स पे, जो आपको मिल जाता है वीवो के अभी जो फोन है ना V15 Pro, वही आपको पॉप अप कैमरा यहां पर भी मिलने वाला है। यहां पर आपको जो कैमरा मिल सकता है पॉप अप वाला वो है 32 मेगापिक्सल का, मतलब यहां पर भी 32 मेगापिक्सल वाला फोन आपको मिलने वाला है। लेकिन यहां पर जो अलग हो सकता है वो है इसका बैक कैमरा। यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा नहीं, यहां पर आपको डबल कैमरा मिल सकता है 48 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल का। लेकिन 48 मेगापिक्सल का कौन सा सेंसर होगा ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यदि 48 मेगापिक्सल का वही सेंसर दे दिया जो Redmi के Note 7 में मिलता है, मतलब Samsung का GM1, तब तो यहां से आप 12 प्लस 12 मेगापिक्सल की फोटो निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको रियल वाला 48 मेगापिक्सल मिल जाता है, मतलब Sony का IMX586, तब मजा आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलने वाला है वो वही कैमरा मिलने वाला है जो आपको मिलता है Redmi के Note 7 में। और यहां पर हो सकता है आपको वही 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है, क्योंकि ये लीक कहते हैं और आपको पता है कि कभी कभी लीक गलत भी हो जाते हैं। लेकिन लीक के आधार पर यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। लेकिन इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी होगी ना वो बहुत ही धांसू होगी, और साथ में आपको ये भी पता है कि यार ओप्पो और वीवो की बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ ये डिस्प्ले में भी काम करते हैं, तो यार यहां पर भी आपको डिस्प्ले में बड़ी कमाल की डिस्प्ले मिलने वाली है, और ये डिस्प्ले होगी फुल व्यू डिस्प्ले। साथ में यहां पर आपको नीचे की तरफ भी कोई बेजल देखने को नहीं मिलेंगे, ना तो ऊपर की तरफ बेजल देखने को मिलेंगे, मतलब यहां पर आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिलेगी। लेकिन यार यहां पर कैमरा कैसा होगा ये तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि यहां पर आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा, ना तो यहां पर पंच होल होगा, ना तो यहां पर आपको वो जो ऊपर वाटर ड्रॉप वाली नॉच होती है, मतलब नॉच पंच होल ये सारी चीजें हटा के डिस्प्ले में अच्छा खासा काम किया गया है। और यहां पर जो डिस्प्ले हो सकती है वो हो सकती है एमुलेट पैनल, लेकिन यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं लोग ये कह रहे हैं कि यार यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आपको जो फिंगरप्रिंट मिलेगा वो पीछे की तरफ ही मिलेगा, जहां पर ओप्पो की ब्रांडिंग होगी, जहां पर आपको रियर कैमरा लगा हुआ मिलेगा। लेकिन और कुछ यहां पर आपको खास मिलेगा वो है इसकी बैटरी, यहां पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी यहां पर आपको सुपर बूट चार्जर, मतलब अपने फोन को आप बस चार्जिंग में लगाएंगे और फटाफट आपका फोन बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चार्ज हो जाएगा, और साथ में यहां पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें संभालने के लिए कौन सा प्रोसेसर होगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यार यदि दिमाग सही नहीं हुआ ना तब तो फोन कैसे चलेगा। लेकिन यहां पर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल सकता है, और मीडियाटेक का हीलियो P80 होगा जो पहली बार इसी फोन में आपको मिलेगा। यदि P80 होता है तब तो मजा आ जाएगी, लेकिन यदि आगे वाला कोई प्रोसेसर दे दे ओप्पो, मतलब इससे भी धाकड़, तब तो और भी मजा आ जाएगी। मतलब इस फोन में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, बट यार सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर आपको वही मिलेगा, कलर OS, और साथ में यहां पर आपको एंड्रॉइड पाई मिल सकता है, यहां पर आपको ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, यहां पर आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा, मतलब ये फोन में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन यार फोन का प्राइस क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से अब ओप्पो अच्छा खासा काम कर रहा है और ओप्पो को इंडिया की मार्केट पता चल चुकी है। अभी ओप्पो ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला अपना फोन इंडिया में लॉन्च किया है, ओप्पो का K1, बहुत देरी से आया। लेकिन इस फोन का जो प्राइस आया वो आया है 17,000 रुपए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ओप्पो का नया वाला फोन आने वाला है ना F11 Pro, ये फोन आपको मिल सकता है 20,000 के आसपास, और क्या पता 20 से लेकर 25,000 के बीच हो जाए। यदि ये फोन आता है 20,000 रुपए, तो ये फोन भी इंडिया में अच्छी खासी मार्केट बना सकता है, यदि इसमें सही चीजें आए जो अभी लीक बताते हैं। लेकिन यदि इससे ज्यादा आता है तब तो यार सोचना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये फोन कब आएगा। मैं आपको ये बता दूं, अगले 2 महीने के अंदर ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, और जब ये फोन इंडिया में आएगा तब मैं आपको इस फोन का पूरा वीडियो भी लाऊंगा और साथ में कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा। मतलब बहुत सारे वीडियो लाइन से लगे हुए हैं। लेकिन यार मैं पर डे वीडियो बनाता हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलती है, इसे प्रेस कर देंगे तो जो मैं वीडियो बनाता हूं ना वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाएंगे। और एक बटन होगा लाइक का और शेयर का, इसको दबा दोगे तो मेरे दिल को और भी तसल्ली मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।